तो दोस्तों नया साल आने वाला है और नए साल में चाहिए हमको नए नए फोन्स, और नए नए फोन्स में चाहिए हमको नए प्रोसेसर। तो मीडियाटेक हमारे लिए ले आया मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U 5G प्रोसेसर। तो क्या खास है इसमें 5G के अलावा, जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन योर ऑन चैनल ज्ञान वायर। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीडियाटेक के बारे में। अब कुछ साल पहले तक तो मीडियाटेक को कोई नहीं इतना ज्यादा रिकमेंड करता था, क्योंकि फोन्स में कभी हीटिंग इश्यूज आते थे, कभी स्लो परफॉर्मेंस, और बहुत ज्यादा प्रोसेसर भी मीडियाटेक की तरफ से लॉन्च नहीं किए जाते थे। सो वो क्वालकॉम को तो क्या इवन एक्सिनोस को भी टक्कर नहीं दे पाते थे। लेकिन पिछले एक दो सालों में मीडियाटेक के दिमाग की बत्ती जग गई है और मीडियाटेक जो है काफी अच्छे प्रोसेसर्स के साथ मार्केट में आ रहा है। हीलियो पी सीरीज कह लो, जी सीरीज कह लो, इवन आईओटी प्रोसेसर भी बहुत अच्छे उन्होंने निकाले। i350 हो गया, i305 हो गया, उन पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आईओटी डिवाइसेस और प्रोसेसर पे, तो एक इधर कार्ट में लिंक है, तो आप देख लीजिएगा, काफी पुरानी वीडियो है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा क्योंकि आपको ये पसंद आने ही वाली है। ठीक है यार, पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा। सो अगर बात की जाए, अभी लास्ट ईयर मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 1000 सीरीज का प्रोसेसर निकाला था, फ्लैगशिप काइंड ऑफ प्रोसेसर। अभी 800U निकाला है, लेकिन मीडियाटेक अभी फोर्थ लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर कंपनी बन चुकी है, मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं जो है ताइवान में। सो होपफुली अब इस प्रोसेसर में बहुत उम्मीदें हैं, और ये 7 नैनोमीटर पे बेस्ड है ये प्रोसेसर, और ड्यूअल 5G प्रोसेसर इसको मीडियाटेक कहता है, ट्रू 5G प्रोसेसर। सो 800U में यू क्या स्टैंड करता है, यू स्टैंड फॉर अल्ट्रा कनेक्टेड, मतलब आपको इसमें ड्यूअल 5G तो देखने को मिलेगा, मतलब आप दोनों सिम्स पे साथ में 5G साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, इवन कैरियर एग्रीगेशन मिलेगा आपको 5G के ऊपर। उसके अलावा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिलेगी, मतलब अगर आप 4G 3G या 2G सिम भी डालते हैं तब भी आपको अच्छी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये तो हो गया अल्ट्रा कनेक्टेड। उसके अलावा अगर स्पेक्स की बात की जाए तो स्पेक्स में ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, सो आपको 2 हाई स्पीड कोर्स मिलेगी और 6 जो है वो पावर एफिशिएंट कोर्स देखने को मिलेंगी। 2 हाई स्पीड कोर्स में आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड मिलेगी, अप टू 2.4 गीगाहर्ट्ज़, ARM A76 बेस्ड कोर्स है वो। उसके अलावा जो है ये 700 जो डायमेंसिटी 700 सीरीज का प्रोसेसर है उससे 1.4x तक ज्यादा फास्ट है, ऐसा मीडियाटेक का कहना है। इसकी जो 2 हाई स्पीड कोर्स है, जो 6 पावर एफिशिएंट कोर्स है वो आपको 2 गीगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड देगी, लेकिन उसमें आपको ज्यादा जो है पावर एफिशिएंसी पे फोकस होता है क्योंकि प्रोसेसर का ज्यादा। उसके अलावा आपको 2.2 UFS स्टोरेज मिलेगी माली G57 GPU के साथ, जो आई थिंक ठीक है इस रेंज में, आप कह सकते हो 2.2 स्टोरेज ठीक है, आप उसको कॉमन नहीं कह सकते हो। उसके अलावा अगर मॉडम की बात की जाए तो मॉडम ड्यूअल 5G जैसे मैंने आपको बताया मिलेगा उस, और लेकिन मॉडम जो है वो चिप के अंदर इंटीग्रेट किया गया है, जैसे स्नैपड्रैगन 888 में किया गया था। 888 पे भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनी है, उस पर बहुत मेहनत लगी है, सो वो वीडियो जरूर देखिएगा और लाइक कीजिए उसको भी, और वीडियो देखो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। उसके अलावा इसमें जो है मीडियाटेक ने अल्ट्रा सेव करके उनकी टेक्नोलॉजी यूज की है, जो ज्यादा पावर एफिशिएंसी देगी आपको 5G यूज करते हुए भी। सो वो तो जब फोन्स आएंगे तभी हमको पता चलेगा। और उसके अलावा अगर कैमरा की बात की जाए तो कैमरा में 64 मेगापिक्सल तक के कैमरे को ये सपोर्ट करता है क्वाड कैमरा सेटअप में, ठीक है, मतलब आप 4 कैमरे का जो सेटअप है उसमें 64 मेगापिक्सल तक को ये सपोर्ट करेगा। उसके अलावा 4K वीडियो सपोर्ट करेगा 30 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब 30 FPS तक की, और AI में भी कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं मीडियाटेक ने प्रोसेसर में। वो तो हमें फोन्स की कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे AI फीचर्स हमको प्रोवाइड करती है उस रेंज में, क्योंकि ज्यादातर ये जो प्रोसेसर है हमको 8,000 से 13,000 की रेंज में देखने को मिलेगा आई थिंक, तो उसी रेंज में बेस्ट भी रहेगा, और उस रेंज में क्या AI फीचर्स रहते हैं ये तो हमें अब नेक्स्ट ईयर ही पता चलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही इस फोन प्रोसेसर के साथ फोन्स आ रहे हैं। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो ये 120 हर्ट्ज तक की डिस्प्ले को सपोर्ट करता है विद HDR 10 और 10 प्लस के साथ। सो आने वाले साल में या कह लो नेक्स्ट ईयर हमें उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादातर बजट और मिड रेंज फोन्स में जो है हमको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊं कि यार ज्यादातर 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज पे फोकस मत किया करो अगर आपने गेमिंग वेमिंग नहीं करनी है तो, क्योंकि डिस्प्ले क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी, ये सब चीजों पे भी फोकस किया करो। LCD है या AMOLED है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है फोन लेते हुए, आप डिस्प्ले क्वालिटी पे और बाकी कंपोनेंट्स क्वालिटी और पे भी फोकस किया करो, क्या वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिर्फ स्पेक्स पे फोकस मत किया करो। उसके अलावा अगर बात की जाए इसमें ड्यूअल वॉइस असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलेगा अगर आपको नीड है तो। ड्यूअल वॉइस असिस्टेंट मतलब आपको गूगल असिस्टेंट के अलावा अगर आप और कोई असिस्टेंट यूज करना चाहते हो वॉइस, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। वैसे नीचे कमेंट करके बताना कि आप वॉइस असिस्टेंट कितना यूज करते हो अपनी डेली लाइफ में, मैं जानने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ।
सो अगर फोन्स की बात की जाए तो ये नेक्स्ट ईयर या कह लो नेक्स्ट मंथ जनवरी 2021 से ही आपको देखने को मिलेगा फोन्स में ये प्रोसेसर और आगे आता जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी आप कह सकते हो कि काफी अच्छा डिसेंट प्रोसेसर है, इस रेंज में अगर आए तो 8 से 13 हज़ार के फोन्स में अगर हमको ये प्रोसेसर देखने को मिले तो काफी अच्छा प्रोसेसर साबित होगा ये और काफी अच्छे फीचर्स के साथ है। बाकी तो फोन्स आने पर डिपेंड करेगा कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है फोन में लगाने के बाद, कोई हीटिंग इशू या कुछ ऐसी दिक्कतें तो नहीं आती है। वैसे तो अब उम्मीदें हाई है मीडियाटेक से, सो होपफुली अच्छा परफॉर्म करेगा। और बाकी टेक वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है, अब मैं वीडियोस भी और ज्यादा डालने की कोशिश करूंगा, ये भी मैं थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन एनीथिंग फॉर यू गाइस। सो लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद ज्ञानवायर।